हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ई कॉमर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी इसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आप अपने एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज पक्का कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो ड्यू रेगुलर 2022 का है बी कॉम प्रोग्राम का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ई कॉमर्स, एक्सप्लेन द करंट रोल ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। तो जो ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ई कॉमर्स है वो आपको बताने हैं, और फिर एक्सप्लेन करना है करंट रोल ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। तो जो ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ ई कॉमर्स है वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया अपनी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ई कॉमर्स की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां पे जाके मेरी सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। फिर इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ एन ई कॉमर्स बिजनेस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसर्न बिजनेस हैज टू अंडरस्टैंड व्हाइल गोइंग ऑनलाइन। तो इसमें आपको बताना है कि आपके ई कॉमर्स बिजनेस को कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल बना सकते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। और जो इसका सेकेंड पॉइंट है उसमें बताना है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन रन करने के लिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें बताना, एक्सप्लेन द ब्रीफ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को आपको डिस्कस करना है, उसकी वर्किंग डिस्कस करनी है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब दैट हैव हेल्प द प्रोपोगेशन ऑफ ई कॉमर्स। और आपको इसमें बताना है कि जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेब के, जिन्होंने हेल्प की है ई कॉमर्स को प्रमोट करने में, तो वो आपको इसमें डिस्कस करने हैं अपने अकॉर्डिंग। व्हाट की इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट ई कॉमर्स इज हेयर टू स्टे। तो ऐसे कौन कौन से की इंडिकेटर्स हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ, आपका ई कॉमर्स यहाँ पे स्टे कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। ये भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया है। इसके ऑप्शन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मिडलवेयर, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय मिडलवेयर इन ई कॉमर्स। ये टॉपिक भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया, आप मेरी ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजिटल कैश पेमेंट। डिजिटल कैश पेमेंट में कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको इसमें बताना है। इसके ऑप्शन में आया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स इन्वॉल्व इन ई पेमेंट। इसमें आपको बताना है जो भी थ्रेड्स इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स यानी कि ई पेमेंट्स करने के टाइम पे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, फायरवॉल, साइट ब्लॉकिंग, स्पूफिंग, साइबर वैंडलिज्म। तो इनमें से किसी दो टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो ड्यू सोल 2022 का क्वेश्चन पेपर है ई कॉमर्स का बी कॉम प्रोग्राम का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। तो इसमें हमें बताना है कि कैसे ई कॉमर्स का जो है वो विकास हुआ। इसके ऑप्शन में है, एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में, व्हाट इज द ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस मॉडल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल। तो इसमें आपको डिस्कस करना है, पहले बताना है कि ब्रिक और मोर्टार बिजनेस मॉडल क्या है, और फिर डिफरेंशिएट करना है ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल में। और ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग, मेंटेनेंस एंड इन्हेंसमेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस प्लान। तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं डिजाइनिंग में। अब तो क्या चीज़ डिजाइन करने में, कोई वेब डिजाइन करने में, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म डिजाइन करने में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी वो आपको इसमें डिस्कस करनी है। जो भी हम ऑनलाइन बिजनेस प्लान कर रहे हैं उसमें मेंटेनेंस एंड इन्हेंसमेंट फेज बताना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स नीड टू अडेप्ट फास्ट टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। कमेंट, इसमें मैं कमेंट लिखना भूल गई। इस क्वेश्चन में हमें कमेंट करना है कि आपको ये लाइन दी है कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं टेक्नोलॉजी के चेंजेस, जो भी चेंज टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स को भी बदलने की ज़रूरत है। तो ये इसके इस लाइन के ऊपर आपको
कमेंट करना है। अब इसके ऑप्शन में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पूफिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ UPI एंड IMPS। UPI और IMPS का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है और इसके ऑप्शन में है एक्सप्लेन ऑनलाइन बैंकिंग व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है एक्सप्लेन करनी है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट 5th ई बुक्स आर द फ्यूचर ऑफ द पब्लिशिंग इंडस्ट्री कमेंट, तो आपको कमेंट करना है कि जो ई बुक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं कैसे फ्यूचर हैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री की, इस लाइन के ऊपर आपको कमेंट करना है। वट आर द मेजर लीगल इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स, तो मेजर लीगल इश्यूज आपको बतानी है ई कॉमर्स की। तो इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं ये सारे ड्यू रेगुलर और ड्यू सोल में आए हुए हैं 2022 में, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और जो मेरी ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया है, आप वहाँ पर जाके मेरी लास्ट की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।